पार्सल वाले का फ़ोन आया तो उसी का पार्सल आया तो अभी वेट कर रहे हैं। मॉर्निंग गाइस, और अभी 18 डिग्री दिखा रहा पर वो वाला फील नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, पूरा खाली हो चुका है। तो संडे का ब्लॉग जिसलिए मतलब दो पार्ट्स में किए कि एक दिन का डिले मिल जाएगा, वो भी नहीं हुआ। कल के दिन कुछ किए ही नहीं, थोड़ी आलस आ गई। कल के दिन पूरा आराम ही किए, और आज भी सुबह गए थे, हल्का बैक में दर्द था तो हल्का फुल्का किए चेस्ट, और फिर आगे आए तो फिर सुबह के बाद से सो गए, तो फिर सीधे शाम को ही उठे। अभी कल कुछ प्रोडक्ट आया है ब्रांड से, तो उसका भी रील बनाना है। अब सोच रहे हैं क्या करें कैसे करें, बहुत ज़्यादा आलस लग रही है। जितने दिन अभी कॉलेज नहीं चालू है तब तक तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही रहे, कुछ है ही नहीं। पर अभी थोड़े एक बात शेयर करनी थी कि जो अभी मैच हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, उसके बाद मतलब कह सकते हो सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया गया, जो कि देखा जाए तो कहीं से भी सही नहीं है। कहे कि अकेले वो बंदा ने थोड़ी मैच हराया, और तुम उसके मतलब कह सकते हो कि रिलीजन के कारण तुम उसको ब्लेम कर रहे हो, ये वो, मतलब कह सकते हो कि कुछ ही 5-10% लोगों के कारण पूरा बदनाम हो रहे हैं लोग। उसी से रिलेटेड देख रहा था कि मतलब जितने भी स्पोर्ट पर्सन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रिटीज सब अब स्पोर्ट पे ट्वीट्स कर रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है कि मॉरल सपोर्ट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर भी इतना है और ऑलरेडी अब्यूजिंग चल रही है। अच्छा होता है यार, मेरे हिसाब से तो गलत ही है। अगर देखने वाले कुछ हैं जिनको लगता है कि नहीं सही है, तो यही कहेंगे कि थोड़ा पढ़ लिख लो, नॉट इन कह सकते कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिग्री या ये कुछ, थोड़ा सोशल नॉलेज भी ले लो। अभी ये 2 दिन खूब आराम हो गया, अब कल से फिर से स्टार्ट बराबर। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।